हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 19 अक्टूबर को होने वाली वो सभी घटनाएं, वो सभी एपिसोड्स जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी हैं, बहुत लाभदायक हैं। इसके साथ चलते हैं अपने पहले फैक्ट ऑफ द डे की तरफ, विच हैपेंड ऑन 19th October 1910 विद द बर्थ ऑफ सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट जो कि बहुत ही मशहूर हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर को लाहौर में, जो कि पंजाब में स्थित है, इन अ तमिल ब्राह्मण फैमिली। इन्होंने अपनी एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की और उसके पश्चात यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी अपनी हायर स्टडीज पूरी करी। इन्होंने अपनी अधिकतर प्रोफेशनल लाइफ यूनाइटेड स्टेट्स में ही बिताई। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इन 1968 इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, विच इज अ वेरी वेरी हाई सिविलियन ऑनर इन इंडिया। और इसके पश्चात 1983 में ही आल्सो रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, विच ही शेयर्ड विद विलियम ए फाउलर, अपने ऐसे कंट्रीब्यूशन के लिए जिसने स्टार्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी स्टार्स की संरचना और फंक्शन को समझने में बहुत ज्यादा मदद करी। इनको बहुत ज्यादा प्रेस्टीजियस ब्रूस अवार्ड भी मिला, जो कि एक बहुत हाई ऑनर है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल साइंसेस। और इनके द्वारा किए गए सभी इंपॉर्टेंट योगदानों में से सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर लिमिट, जिसका मतलब है कि द मास ऑफ अ वाइट ड्वार्फ कैन नॉट एक्सीड 1.44 टाइम्स दैट ऑफ द सन। इस थ्योरी के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं, जैसे कि रेडिएटिव ट्रांसफर। अब ये इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। दूसरी है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस किताब है ट्रूथ एंड ब्यूटी, ट्रूथ एंड ब्यूटी एस्थेटिक्स एंड मोटिवेशंस इन साइंस। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के बारे में बात करने के बाद अगर बात की जाए इन जनरल दैट हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इंडिया इन द डोमेन ऑफ फिजिक्स, तो वो थे सीवी रमन, जिनको कि हम सब जानते हैं उनके फेमस रमन इफेक्ट के लिए, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार लाइट जब किसी मीडियम के थ्रू पास होती है तो उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स की वजह से स्कैटर हो जाती है। सो दिस इज द वेरी क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही हैड मेड। और इसके पश्चात चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, विच हैपेंड इन 1920 विद द बर्थ ऑफ पांडुरंग वैजनाथ अथवाले। इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1920 में इन अ ब्राह्मण फैमिली इन द विलेज ऑफ रोहा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि कोंकण एरिया में आता है इंडिया के। ही वाज नॉट ओनली एन इंडियन एक्टिविस्ट एंड दार्शनिक, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिवोल्यूशनरी भी थे। इनके द्वारा किया गया जो बहुत फेमस मूवमेंट था, विच इज नोन इन हिस्ट्री एज द स्वअध्याय मूवमेंट। स्वअध्याय मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसको स्वअध्याय परिवार के नाम से भी जाना जाता था। स्वअध्याय परिवार एक ऐसा रिलीजियस मूवमेंट था जो 20th सेंचुरी में शुरू किया गया था इन द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सच एज महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसका मेन इम्फेसिस था सेल्फ स्टडी करना, यानी कि स्वअध्याय करना, उपनिषद्स को, भागवत गीता को और इस तरह के स्पिरिचुअल लिटरेचर को, जिसकी वजह से इंसान अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकता है। ही आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द स्टडी ऑफ सेल्फलेस डिवोशन और किस प्रकार से हम पुराने स्क्रिप्चर्स की मदद से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, एंड हाउ इन जनरल कैन वी बिकम स्पिरिचुअली मोर एनरिच्ड। इनका पेट नेम, यानी कि इनको ज्यादातर दादाजी के नाम से भी पुकारा जाता था इन महाराष्ट्र, जिसका मतलब है बड़े भाई इन मराठी। और इनको टेम्पल्टन प्राइज भी दिया गया था फॉर हिज प्रोग्रेस इन रिलीजन, और ये पुरस्कार इनको 1997 में दिया गया था, जिसको कि हम टेम्पल्टन प्राइज भी कहते हैं। 1996 में इन्होंने रेमन मैक्सेसे अवार्ड भी पाया कम्युनिटी लीडरशिप, और 1999 में इन्होंने पद्म विभूषण अवार्ड भी प्राप्त किया। इसके साथ चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, विच इज अबाउट अर्नस्ट रुदरफोर्ड, जिनकी मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 66 ऑन 19th October 1937 बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू हर्निया, जिसकी वजह से उनको इंटेस्टाइन का पैरालिसिस हो गया था। अब ये एक बहुत ज्यादा जाने माने व्यक्ति हैं, ही इज अ वेरी वेरी वेल नोन नेम, और ये एक न्यूजीलैंड बॉर्न फिजिसिस्ट हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं फॉर हिज फ्यू डिस्कवरीज डन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स,
such as radioactive half-life. इनकी दूसरी और सबसे जानी मानी डिस्कवरी है अबाउट अल्फा एंड बीटा रेडिएशन. इसके साथ इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडॉन को भी ढूंढा, इसकी भी डिस्कवरी इन्होंने की है. एंड फर्दर ही इज वेरी वेरी वेल नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द मॉडल ऑफ एटम. बल्कि आज भी इनके द्वारा डिस्कवर किया गया ये मॉडल रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है. इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक मिनिएचर सोलर सिस्टम के रूप में समझाया, जहां की नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सर्कल करते हैं एक ऐसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो कि बहुत ज्यादा डेंस है और जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है. ये सारी ही इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनकी सभी डिस्कवरीज के लिए 1908 में इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी दिया गया था. सम ऑफ वेरी फेमस बुक्स रिटन बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड आर रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस. Then comes his very famous book, Radioactivity. And his third very important and famous book is Radiation from Radioactive Substances. इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है that which of these following books have been written by Rutherford, या फिर इनमें से कौन सी किताबों की रचना Rutherford द्वारा की गई है. So these are the names of the books, Radioactive Substances. इनके honor में, इनके achievements को honor करने के लिए, the very famous element called Rutherfordium, जिसका की सिंबल नेम RF है, उसका नाम इनके ऊपर ही रखा गया है बिकॉज इट हैज बीन कॉल्ड एज द रदरफोर्डियम एलिमेंट. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक रदरफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन स्थापित किया गया है टू ऑनर अर्नस्ट रदरफोर्ड. एक और बहुत प्रसिद्ध मेडल है जो दिया जाता है रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड के द्वारा, जिसका नाम है रदरफोर्ड मेडल. उसका नाम भी इन्हीं के ऊपर रखा गया है और ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस या टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सराहनीय माने जाते हैं. इसके पश्चात चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ. एंड इन 1943 फॉर द फर्स्ट टाइम द स्ट्रेन ऑफ द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज आइसोलेटेड बाय द रिसर्चर्स at the Rutgers University. Streptomycin एक बहुत जानी मानी औषधि है, एक ऐसी antibiotic दवा है जिसको treat किया जाता है to cure a number of bacterial infections such as tuberculosis, plague, brucellosis, rat bite fever and many other small and minor bacterial infections of the intestine and upper respiratory tract. इसको discover किया था पहली बार 1943 में एक ऐसे bacteria के द्वारा जिसमें कि humans को infect करने की बहुत ज़्यादा capacity थी. इस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोमाइकस ग्राइसियस और पहली बार जिन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इस बैक्टीरिया को ढूंढा था उनका नाम था अल्बर्ट शैच्ट. इन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ पदार्थों में से की थी और डीप सी के अंदर जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें भी इस बैक्टीरिया को पाया गया था. स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत ज्यादा वाइड यूज है मेडिकल साइंस में बिकॉज नॉट ओनली एज एन एंटीबायोटिक बट इट इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड एज एन एंटी फंगल मेडिसिन जिसको कि हम फंजिसाइड भी बुलाते हैं. अक्सर स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है बैक्टीरियल डिजीजेस ऑफ प्लांट्स को रोकने के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रोकने के लिए और फूडिंग क्रॉप्स में रोकने के लिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिन को बहुत वाइडली यूज किया जाता है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि किस तरह से काम करती है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिकेशन, इट वर्क्स बाय अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि ये बैक्टीरिया के सिस्टम को मल्टीप्लाई करने से, आगे बढ़ने से, रिप्रोड्यूस करने से कंप्लीटली रोक देती है और इस प्रकार वो किसी भी ह्यूमन बॉडी या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्ट नहीं कर पाता है. सो इट वाज इंडीड अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस. ये कहते हुए चल के देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. कौन थे वो हस्ती जिनको इंडिया से पहली बार नोबेल प्राइज भौतिक विज्ञान में दिया गया. ऑप्शंस हैं आपके पास ए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन, बी है हरगोविंद खुराना, सी है होमी जहांगीर भाभा एंड डी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. आई एम श्योर वीडियो देखने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन एकाग्रित करने के बाद आप खुद ही इसका उत्तर सक्सेसफुली दे पाएंगे. एंड इट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन जब हम कोई भी फैक्ट्स को समझने के बाद उस पे पजल्स या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो आई डू इनकरेज कि आप सब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. अगला सवाल है, फॉर विच वर्क वॉज द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स अवॉर्डेड टू सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. इनके बारे में डिटेल में हमने बात की है बिकॉज इनका जन्मदिन होता था आज के दिन और इसलिए ऑप्शंस आपके पास हैं ए फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, बी है फॉर द रेंडरिंग ऑफ चंद्रशेखर लिमिट, सी है फॉर द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स और डी है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस रिलेटेड टू प्लैनेट्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रदरफोर्ड मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग। रदरफोर्ड मॉडल के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है? ए, मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज एट इट्स सेंटर। बी कहता है, द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज इन इट्स सेंटर। सी कहता है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज स्प्रेड ओवर द एंटायर सेक्शन। एंड डी कहता है, ऑल द अबव गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। अगला सवाल कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलो is used prominently in the treatment of tuberculosis, yani ki TB. Options hai A, streptomycin, B, cetirizine, C, nimonoslide and D, morphine. Iske bare mein bhi, kyunki humne ek detail analysis ki hai apne video mein, I'm sure iska uttar bhi aap easily samajh jayenge. Aur iske saath hum aaj ke session ko samapt karte hain. Thank you so much for being with us.